के सामान लाते हुए सामान शिफ्ट करते हुए देख लो अभी जो सब चीज गीला कर चुके हैं, ये हेलमेट तक गीला हो चुका है। और ये जो है देख रहे हो, रेडी होकर नहाने जा रहे हैं भाई साहब। इनको इनको देखो जरा, मतलब चश्मा वगैरह पहन के नहाने जा रहे हैं ये चलो जहाँ चलना है, हम कैमरा पीछे पीछे ला रहे हैं तुम्हारे। बट अबे अपना सामान कुछ ज्यादा दूर नहीं है, लाइक कुछ नहीं कर सकता, इतनी दूर से तो दौड़ के नहीं जा सकता। खैर बच गया, ये इरोजन कहते हैं ब्रो इसको, बालू पानी आकर बालू ले जाता है। और यहाँ पे कुछ ज्यादा ही डस्ट लग रहा है हमको। ये जो इतना खुशी खुशी से जा रहे हैं भाई साहब के, अगर मम्मी देख लिए ना तो ये गंदा डांट सुनने वाले हैं घर में, बट फिर भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और कितनी दूर जाएगा, अबे अपना सामान देख ले भाई, कितनी दूर हो गया। जा जा तुम कूद जा बस, ठीक है। यहाँ अक्सर लोग आके क्या करते हैं पता है, सी बीच पे आओ मैं दिखाता हूँ। ऐसा कुछ एक दिल बनाएंगे, ठीक है, जो कि ये मिटा देता है पानी। और लोग क्या कहते हैं पता है, ऐसे मतलब नाम वगैरह लिखेंगे अपनी गर्लफ्रेंड का लेकिन उनको पता नहीं है कि जैसे असल जिंदगी में मिटता है, इधर भी मिट जाता है पानी से रहता नहीं है कभी। ओ शिवलिंग बना के दिखा दे, क्या शिवलिंग अबे सब लोग बनाते हैं शिवलिंग, वो बना। अच्छा आप फिर दिखाते हैं। देखो यहाँ पे जो अगर तीन चार दोस्त मिल के आए ना तो शिवलिंग बना के जाते हैं और मैं क्या बोलूं। ऐसा ऐसा शिवलिंग बना के सब लोग देखते हैं कि पानी उसका शिवलिंग को मतलब मिटा पाता है या नहीं। बहुत बड़ा बड़ा शिवलिंग बनाते हैं सब लोग बालू से, मजा लेते हैं, पानी के साथ खेलते हैं। अबे ये क्या बना दिया अच्छा ये नहीं बनाना था अभी मैं एक और चीज बना के दिखाऊंगा कैसे गाय का जो बछड़ा या फिर गाय या बैल जो चल के जाते हैं उनका पैर का निशान देखिए कैसे मिट रहा है वैसे ही मिटता है हमेशा पकड़ पकड़ में एक चीज बना के दिखाता हूँ। ये जो सी बीच है ना, यहाँ पे कौवा भी उड़ रहे हैं। आपको कौवा मैं जूम करके दिखाना चाहता हूँ कैसे उन लोग मजा लेते हैं केकड़े के साथ, लेकिन मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, वो बहुत ही दूर है। वो देखिए वो जो कौवा है ना, देख इंतजार में रहता है कि कब निकलेगा केकड़ा, कब वो झपटेगा, कब मजा लेगा उसका खाएगा बन गया और ये सामान लाते हुए सामान शिफ्ट करते हुए देख लो अभी जो सब चीज गीला कर चुके हैं, ये हेलमेट तक गीला हो चुका है।
और अभी फिलहाल फिर हमने डिसाइड किया कि थोड़ा सामान को दूर रखा जाए ताकि पानी ना पहुंचे यहाँ तक। अब हम नहाएंगे और देख लो क्या हालत हुआ है। तो अगर नहाने आओ तो ढंग से, मतलब थोड़ा कपड़ा उपड़ा का इंतजाम करके आना और अच्छी जगह पे रखना नहाने से पहले। इसका सब चीज भींग चुका है, पैसा वैसा भी भींग गया इसका, और ये अभी आधा घंटे से सुखाने का कोशिश कर रहा था, सुखाया है मुश्किल से किसी तरीके से। 100 रुपए नोट बचे हैं इसके पास जो कि हाथ में लेके बैठा है। और इसी पैसे से हम खाने वाले हैं, खाने का इंतजाम। अच्छा केकड़ा पकड़ने जा रहे हैं, देख लो वो रहा केकड़ा जो कि बिल में घुस गया। और ये मिथिलेश दूसरे केकड़े के तरफ जाते हुए बढ़ते हुए, देखते हैं पकड़ पाते हैं कि नहीं। अगला केकड़ा जो है कहाँ है? अच्छा हम दूसरे तरफ ट्राई करते हैं, बहुत सारे केकड़े हैं। और तेरी मिथिलेश जो कि काफी तेज से दौड़ने की कोशिश की है बट नाकामयाबी उनके हाथ लगी, और अब हम देखते हैं कि ये क्या करते हैं। और इन्होंने तो हाथ ही जोड़ दिया पूरा, अब क्या ही बोले। इसी तरह से हमने सुखाया खुद को और पैसों को भी, और अब हम इन कपड़ों को ऐसे ही भरने वाले हैं बैग में। और फिलहाल के लिए इनके पास एक पैंट बचा और मेरे पास एक टी शर्ट बस, और हम अब ऐसे ही जाएंगे घर। और शायद आपको जो चीज़ें और दिखाने वाले थे शायद आज ना दिखा पाए, तो देखते हैं हम अगले वीडियो में आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। और अब हम वापस जा रहे हैं। देख लो कैसा हालत हुआ है। खैर चाबी नहीं मिल रहा है इसको, अब चाबी कहाँ रख दिया। ये नहीं हो सकता, इसमें पूरा क्या हो, नहीं हो सकता, बालू भरा हुआ है इसमें पूरा, ये साफ नहीं हो सकता है। मैं ऐसे ही चलूंगा, तू बाइक चला। ओके नहीं नहीं वो नहीं। अच्छा हम लोग, हाँ नेक्स्ट वीडियो में वही हम लोग लेके जाएंगे ब्रैकिस वाटर है, मतलब पूरा महानदी और सी जहाँ पे मिलता है वहाँ का, मतलब महानदी मेजर रिवर है उड़ीसा का, और आपको वहाँ पे जो सी और महानदी जहाँ मिलता है वहाँ हम ले चलेंगे नेहरू बंगला। और बस देखते रहिए। नहीं नहीं वो नहीं। अच्छा हम लोग, हाँ नेक्स्ट वीडियो में वही हम लोग लेके जाएंगे ब्रैकिस वाटर है, मतलब पूरा महानदी और सी जहाँ पे मिलता है वहाँ का, मतलब महानदी मेजर रिवर है उड़ीसा का, और आपको वहाँ पे जो सी और महानदी जहाँ मिलता है वहाँ हम ले चलेंगे नेहरू बंगला। और बस देखते रहिए। हम लोग अभी यहाँ से जाएंगे सी बीच से, अभी हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, डिसाइड किए हैं कि अब पिंटू बाइक चलाएगा और मैं बैठूँगा, क्योंकि मेरा जूता जो था वो इतना बालू उसमें घुस गया है कि वो पहनने लायक नहीं है, तो मैं जूता नहीं पहन सकता, इसलिए बाइक नहीं चला पा रहा हूँ। अभी हम लोग जाएँगे टपा पाया बोल के। आप ये देख सकते हैं सामने में जो है वो लाइट हाउस है, ये देखो इसमें हम बच्चे लोग, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला होता है जो स्पेस देख रहे हैं ना, इसमें पाली यात्रा होता है। इस जो पोल को देख पा रहे हैं, सुंदर सा पोल को, यहाँ पे फंक्शन होते हैं। एक उसके सामने स्टेज दिख रहा है ना, ये वाला ये स्टेज है, यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा परफॉर्मेंस होता है, बड़ा बड़ा फंक्शन जब होता है नेता आते हैं तो। और इस पोल को देख सकते हैं आप अच्छे से, यहाँ पे बहुत लोग सुबह सुबह योगा वगैरह भी करते हैं, अच्छा है, मेडिटेशन वगैरह कर गए हैं बाहर। आगे देखिए ये है एक्वेरियम, जहाँ पे अभी नहीं हम लोग जा सकते हैं, लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आप लोग को सब कुछ मतलब देखने को नहीं मिल सकता है। आप देख सकते हैं बोट का शेप में एक्वेरियम है, इसके अंदर बहुत अच्छा अच्छा फिश के लिए बनाया है। और ये रहा अपना आई लव पारादीप, यहाँ पे आप लोग फोटो भी खिंचवा सकते हैं।
ये ऐसा ऐसा दूसरा कंट्री से ट्रांसपोर्ट होने के लिए माल यहाँ पे हमेशा सिप बड़ा बड़ा सिप आता है। ये तो इतना बड़ा नहीं है लेकिन इससे बहुत बड़ा बड़ा आता है और आप देख सकते हैं इसका लंबाई कितना होगा अप्रोक्स नहीं बता सकते, बहुत दूर है। अच्छा कोई नहीं, इस तरफ आपको इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल दिख रहा होगा और ये बहुत मतलब बहुत सारे सिप जो है मतलब कल रात को ही आया है और आज चला जाएगा।